नमस्कार, मैं कपीश बल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। धर्मोत्सव समिति द्वारा कराए गए 2022 सफल मटकी फोड़ आयोजन के बाद समिति सदस्यों द्वारा एक प्रसादी का आयोजन घंटाघर थाना दूधतलई जलबुर्ज शिव हनुमान मंदिर में रखा गया। होती प्रसादी के मध्य छत पर हो रही शराब पार्टी का विरोध करने पहुंचे युवाओं के द्वारा समझाइश करते हुए वीडियो बनाने का काम किया गया, जिसको लेकर धर्मोत्सव समिति के जिम्मेदारों और विरोध करने पहुँचे युवाओं के मध्य गर्मागर्मी हो गई, जिसको लेकर मारपीट और हाथापाई होने का वीडियो भी वायरल हुआ। घटित घटनाक्रम में घायल धर्मोत्सव समिति के अध्यक्ष दिनेश मकवाना लाला वैष्णव के चोटिल हो जाने का मामला भी सामने आया और माणा भोपाल चिकित्सालय में इलाज भी करवाया गया। समिति के सदस्यों द्वारा संबंधित घटनाक्रम को लेकर घंटाघर थाने में मामला दर्ज कराया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए संबंधित थाना ने शराब पार्टी का विरोध करने पहुंचे युवाओं को गिरफ्तार भी किया। हालांकि पूरे घटनाक्रम का वीडियो आमजन के बीच धर्म परिसर में होती शराब पार्टी को लेकर धर्मोत्सव समिति पर कई सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। इन्हीं सवालों की सफाई देने के तहत आज धर्मोत्सव समिति से जुड़े जिम्मेदारों ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन उदयपुर लेक सिटी प्रेस क्लब में किया, जहां पर पत्रकारों को संबंधित घटनाक्रम की जानकारी देते हुए समिति अध्यक्ष दिनेश मकवाना ने अपने आप को पाक साफ बताते हुए कहा कि लगभग 550 लोगों का प्रसादी का कार्यक्रम चल रहा था। न जाने कब छत पर अनजान लोग चले गए और शराब पार्टी करने लगे। छत पर हुए हो हल्ले से ऊपर पहुंचे और मामले को समझ पाते उससे पहले ही छत पर वीडियो बना रहे 10 से 15 युवकों ने मारपीट और हाथापाई करना शुरू कर दिया। हालांकि संबंधित घटनाक्रम को लेकर समिति अध्यक्ष दिनेश मकवाना ने इसे वर्चस्व की लड़ाई बताया, लेकिन दूसरी ओर वायरल वीडियो में शराब पार्टी करते दिख रहे लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। जहां एक ओर समिति अध्यक्ष मकवाना घटित घटनाक्रम में समय अंधेरा होने की बात स्वीकार करते हुए कह रहे हैं कि शराब पार्टी कौन कर रहे थे यह नहीं पता लगा, लेकिन वीडियो बना रहे युवकों को पहचानने की बात भी बता रहे हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान मकवाना ने कहा कि मंदिर परिसर में शराब पार्टी करना निंदनीय कार्य है, लेकिन बिन बुलाए मौके पर पहुंचे लोगों के द्वारा मारपीट करने का विरोध भी स्पष्ट तौर पर किया। मैं इस प्रेस वार्ता में दिनांक 4 सितंबर को जलबुर्ज पे जो घटना घटी, उस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं, जिसमें मंदिर की परिसर में अगर कोई व्यक्ति शराब पी रहा है उसकी भी जांच होनी चाहिए, और जिन व्यक्तियों ने मेरे ऊपर और संगठन को बदनाम करने के लिए ये मारपीट की है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी है। साथ ही झूठा मुकदमा जो ST SC का दर्ज कराया उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारी समिति सभी लोगों को जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती है, और ये कोई नया संगठन नहीं है, रजिस्टर्ड संस्था है, पिछले 30-35 वर्षों से कार्य कर रहा है और व्यवस्था में रजिस्टर्ड संस्था है। हर काम हमारा एक नंबर लीगल काम है, और हम मांग करते हैं प्रशासन से इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और दोषियों को सख्त सजा दी जाए।